नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। अगर आप इस सेल में 15,000 में एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हो जिसमें गेम 90 FPS में चले, कैमरा शानदार हो और बैटरी बैकअप तो सुपर होना चाहिए, तो आपके लिए है Realme Narzo 70 Turbo। ये Amazon में मिलने वाला है 15,000 में। इस फोन में जो सारी अच्छी चीज मिलता है सब कुछ तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है इस फोन में ढेर सारी कमियां भी मिलता है। वो सारी कमियां मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस फोन को मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी इसका टेस्ट भी कर चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम ना लेते हुए इसका एक क्लियर रिव्यू मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करूंगा। नो डाउट इसका जो डिजाइन है वो यूनिक है। ऐसे डिजाइन के साथ Realme का कोई भी फोन बजट में लॉन्च नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो फोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है, इसमें थोड़ा सा मैट फिनिशिंग है, इसलिए फोन को आप इधर टीवी केस में आराम से यूज कर सकते हो। फोन हाथों में स्लिप वगैरह नहीं करता है, उनका वेट भी ज्यादा नहीं है, इन एंड फील्ड बहुत अच्छा मुझे लगा है। लेकिन इस फोन में है IP65 का रेटिंग, ये वाटर प्रूफ फोन नहीं है, फिर भी इस फोन में अगर थोड़ा बहुत पानी का बूंद गिरता है तो फोन आराम से सहलेगा। वेल ये Realme का दूसरा फोन है जो 15,000 के नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है बहुत ज्यादा फास्ट है, उसी के साथ इसमें हैप्टिक फीडबैक जो है वो आपको डिसेंट सा मिल जाएगा, और थोड़ा हार्ड होना चाहिए था वाइब्रेशन मोड। लेकिन अच्छी बात है फोन कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं आता है, इसलिए गेमर के लिए फोन परफेक्ट है। इसमें डिस्प्ले का साइज बढ़ा रखा है, उसी के साथ इसमें जो 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है वो लगभग सारे एप्स को सपोर्ट भी करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस भी ज्यादा रखा है, आप आराम से इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसका फ्लिकरिंग इशू लेकर बहुत ज्यादा कमेंट मुझे आ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोन जो है लो लाइट में फ्लिकरिंग करता है, उसी के साथ डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन छोटा रखा है। कॉन्टेंट देखने के लिए डिस्प्ले तो मुझे परफेक्ट लगा है, क्योंकि यूट्यूब पर आप 4K में HDR वीडियो देख सकते हो, 4K वीडियो अटकता नहीं है, कलर एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छा आता है, और HDR वीडियो का जो ब्राइटनेस कंट्रोल है ये फोन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। अच्छी बात है इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है, साउंड बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन इसका बेस जो है मुझे थोड़ा सा कम लगा है अदर्स फोन से। डुअल माइक है जो नॉइस को बहुत अच्छे से कैंसलिंग कर लेता है। 3.5mm ऑडियो जैक भी है, और इस फोन में आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो। इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मुझे ठीक ठाक लगा है, मल्टीपल 5G बैंड्स का सपोर्ट है, उसी के साथ मेरे एरिया में जियो 5G का नेटवर्क आता है। स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हो आदर्श फोन की तरह इस फोन में भी अच्छा मिल रहा है। वेल बहुत सारे दोस्त प्लानिंग कर चुका है इस Realme का फोन को खरीद के मस्त 90 FPS में गेम प्ले करेगा, लेकिन आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि इस फोन में 90 FPS गेम अच्छे से नहीं चलता है, जो मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए इसका परफॉर्मेंस डे टू डे यूज में कितना अच्छा है। इसमें है Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट, अंतुतु स्कोर आप यहां पर देख सकते हो 677,000 प्लस निकल कर आए। उसी के साथ सीपीयू थॉटलिंग को रन किया था और इसका स्कोर कुछ खास नहीं आया, 64%। LPDDR4X रैम के साथ UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, इसलिए तो इसका परफॉर्मेंस डे टू डे यूज में अच्छा निकल कर आता है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका स्टोरेज को मैं 70% से भी ज्यादा भर चुका हूँ, फिर भी इसका ऐप ओपनिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। अच्छी बात है इस फोन में ऐप ओपन ऐप क्लोज में एक प्यारा सा एनिमेशन मिल जाता है। हाँ, जब आप फोन को जेस्चर्स में यूज करोगे तब ये एनिमेशन आपको मिलेगा, जब आप फोन को बटन्स में यूज करोगे यहाँ पर एनिमेशन नहीं मिलने वाला है। इसका परफॉर्मेंस को और भी एक्सट्रीम में टेस्ट करने के लिए इस फोन के साथ मैंने Motorola G85 का स्पीड टेस्ट किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड टेस्ट में ये जो फोन है ये विनर है। तो ऐसे आप अंदाज लगा सकते हो डे टू डे यूज में फोन कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर देता है। इतने दिनों से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, एक बार भी ये फोन हैंग नहीं किया है। और बात रही गेमिंग के बारे में, इस फोन में BGMI गेम आप 90 FPS में खेल सकते हो। हालांकि इसमें सिर्फ 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन गेम जो चलता है वो 70 FPS में। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं एक TTM मैच प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पर 90 FPS में देख सकते हो 70 FPS के आसपास में मुझे गेम प्ले मिल रहा है। ऐसे भी इसका जायरो स्मूथ है, तो जायरो प्लेयर के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस फोन में अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस लेना चाहते हो तो मेरा रिकमेंड रहेगा अब 60 FPS में गेम प्ले करना, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल कर आता है। इस फोन में हीटिंग इशू है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए इस फोन के साथ मैंने बहुत सारा फोन को एक साथ में 30 मिनट के लिए CPU थॉटलिंग को रन किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोन जो है मैक्सिमम 40 डिग्री लेकर 41 डिग्री के आसपास में हीट होता है। ऐसे भी जो हीट है गेमिंग के दौरान आपको थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो फोन से वीडियो एडिटिंग करता है, मुझे लगता है ये फोन वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इस फोन में आप काइनमास्टर एप्लीकेशन के जरिए 4K में स्मूथली वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी 60 FPS पर। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 में रन हो रहा है, उसी के साथ Realme का लेटेस्ट UI है। इस फोन का UI का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे सबसे बेकार लगा है। जब मैं फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए ढेर सारी इसमें एड्स आता है, इस ऐप में नहीं बहुत सारी एप्स में एड्स आता है इस फोन में। तो इस एड्स के जरिए Realme एक्स्ट्रा मुनाफा लेता है आपसे,
इस एड से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। बाकी जब आप नया फोन सेटअप करोगे, इसमें ढेर सारी प्री इंस्टॉल ऐप आता है जिसको आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना होगा। उसी के साथ इसमें हॉट एप्स और हॉट गेम्स तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले में इसमें मोर एप्स और मस्ट प्ले करके दो एप्लीकेशन आता है जिसके अंदर आपको ढेर सारी एप्स का सजेशन दिखाई देगा। उसी के साथ इस फोन में बहुत सारी पुश नोटिफिकेशन भी आता है जो मुझे और आपको डे टू डे यूज में बहुत इरिटेट कर देगा। लेकिन इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स है, जैसे कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, एज लाइटिंग भी है, आप ऐप को क्लोन कर सकते हो, ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो और आप ऐप को हाइड भी कर सकते हो। स्मार्ट साइड बार के साथ फ्लोटिंग विंडोज का फीचर्स भी है। इसमें और भी अच्छा अच्छा हिडन फीचर्स मिल जाता है, तो इसकी सारी हिडन फीचर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप इंटरेस्ट हो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जरूर चेक कर सकते हो। एक अच्छा गेमिंग फोन में अच्छा बैटरी बैकअप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, इस फोन में जो 5000 mAh का बैटरी है उसको मैंने बहुत सारी फोन के साथ टेस्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप जो निकल कर आया है 7 hours 31 minutes का। ये नंबर छोटी नहीं है, अगर आप फोन को नॉर्मल यूज करोगे तो सिंगल चार्ज में सारे दिन का बैटरी बैकअप निकल कर दे देता है ये फोन। वेल, ये फोन चार्ज होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि इसके साथ इनबॉक्स 45 watt की एडेप्टर आता है। 1 hour 14 minutes में फोन फुल चार्ज हो जाता है और चार्जिंग के दौरान ये फोन ज्यादा हीट भी नहीं होता है। अब जान लेते हैं इसकी कैमरे के बारे में। फोन की पीछे में जो प्राइमरी सेंसर है 50 megapixel, इसमें OIS नहीं है। सामने है 16 megapixel सेल्फी कैमरा। अच्छी बात है, आप इसकी बैक कैमरा से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS नहीं है फिर भी ये फोन सॉफ्टवेयर के जरिए स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस फोन से मैंने बहुत सारी फोटो क्लिक कर चुका हूँ, आप यहाँ पर सारे फोटो सैंपल देख सकते हो। यहाँ पर पेड़ पौधा का जो कलर है उसको थोड़ा बूस्ट कर देता है, लेकिन इसमें डिटेलिंग मस्त आता है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बात रही स्किन टोन की कलर के बारे में, मैंने ये चीज नोटिस किया, हर बार ये फोन जो है फेस को ज्यादा ब्राइट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी अच्छा लाइट होने के बावजूद भी ये फोन फेस को डार्क कर देता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। डायनेमिक रेंज को ये फोन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, फेस में अच्छा डिटेलिंग भी आता है। इससे बैक कैमरा में नहीं सेल्फी कैमरा में भी अच्छा डिटेलिंग आता है, उसके साथ सेल्फी कैमरा में जो स्किन टोन का कलर है उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर के जरिए एक अच्छा सा आउटपुट देता है जिसमें लाइट और यहाँ पर एज डिटेक्शन को अच्छे से मैनेज कर लेता है। अब कंक्लूशन की बात किया जाए तो ये फोन अगर आप खरीदना चाहते हो गेमिंग पर्पस के लिए तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने से पहले आपको सिर्फ 4 चीजों में ध्यान रखना चाहिए। पहला जो चीज है इसमें एड्स आता है भाई, दूसरा इसमें जो 90fps गेमिंग है वो अभी तो स्टेबल नहीं मिल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसको स्टेबल किया जा सकता है। दूसरा इसके डिस्प्ले में फ्लिकरिंग इशू है, और लास्ट जो है इसमें थोड़ी बहुत हीटिंग इशू है भाई, गेमिंग के दौरान ये फोन हल्का सा हीट होता है। आपको सिर्फ इस 4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो ये फोन आपके लिए मस्त होगा, आप जरूर इस फोन को खरीद सकते हो। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है इस Realme Narzo 70 Turbo के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। देखो भाई, मेरा काम है फोन में अच्छी चीज बुरी चीज सब कुछ आपको क्लियर करके ऑनेस्टली बताना, मैंने आपको बता दिया, इसके आगे आपका मर्जी। वेल, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगाए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे नए नए फोन की ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए।